मैं कैलाश मिश्रा, भाजपा एनजीओ प्रकोष्ठ सरगुजा का जिला संयोजक। हम लोगों ने उदयपुर विकासखंड के दूरस्थ अंचलों का निरंतर दौरा किया और पाया कि इस विकासखंड के दूरस्थ अंचल में वन विभाग का पट्टा, राजस्व विभाग का पट्टा वर्षों से लंबित है, जिला कलेक्टर कार्यालय में, एसडीएम कार्यालय में, साथ में अस्पताल जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उदयपुर का है वह FRU दर्जा है, लेकिन FRU सुविधाएं नहीं है, जिससे 2 साल से एक भी सिजेरियन डिलीवरी नहीं है, ब्लड यूनिट नहीं है, ICU नहीं है, जिसके चलते बहुत परेशानियां होती हैं यहाँ। तीसरी है कि छात्रावास, जो यहाँ का उदयपुर का कॉलेज है, वहाँ न तो कन्या छात्रावास है न बालक छात्रावास है, जिससे दूरस्थ अंचल से आने वाले बच्चे बच्चियों को बहुत परेशानी होती है उसके लिए। और जो भू अर्जन का प्रकरण था, जो NH बना, उसमें जिनकी ज़मीनें आई उसका अभी तक मुआवजा नहीं मिला। ऐसे अनेक विसंगतियों को लेकर एक माह पूर्व हमने ज्ञापन सौंपा था, लेकिन उसका निराकरण नहीं होने पर कल हम 9 मई को एक धरना न्यू बस स्टैंड उदयपुर में रख रहे हैं, जिससे सरकार जागे और इस जनहित के जो मुद्दे हैं, जो रुके हुए हैं, जिनसे लोगों को परेशानी हो रही है, उनका निराकरण शीघ्र से शीघ्र हो, इसलिए यह इस धरने का आयोजन किया गया है। और यह धरना बृहत रूप से गांव के दूरस्थ अंचल से लोग इसमें शामिल होंगे, और हम सबसे निवेदन करते हैं कि जो इन सुविधाओं से वंचित है वो जरूर उसमें भाग ले और उदयपुर के विकास में सहभागी बने।